हे गाइस, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस सीखेंगे कि थैंक यू का कैसे यूज करना है, और एक वर्ड जो है रेयर, सो रेयर से कैसे हम लोगों को सेंटेंस बनाना है, राइट। और व्हेन वी से थैंक यू, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थैंक यू, राइट। सो लेट्स से यू आर सेइंग दैट थैंक यू फॉर टेलिंग, लाइक बताने के लिए धन्यवाद। जनरली हम लोग जब किसी से कुछ पूछते हैं, तो जब कोई पर्सन हमें कुछ बताता है, तो हम लोग को कहना चाहिए थैंक यू फॉर टेलिंग, बताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, यदि आप किसी से मिलते हैं और वो आपको पहचान लेता है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। सॉरी आई डिड मिस्टेक। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, यदि आपको कोई चीज़ के बारे में कोई याद दिलाता है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। वी नीड टू करेक्ट हियर, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर, राइट। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मतलब कोई आपको बुला रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यदि किसी को आपको थैंक यू करना है, कोई आपका हेल्प करता है, और यू वांट टू से थैंक यू, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, राइट। मेरा मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, मेरा मदद करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। यदि कोई आपको कोई काम दे रहा है और उसको आपको थैंक यू करना है, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज, इस अवसर के लिए धन्यवाद। लाइक इस जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर के लिए धन्यवाद। अब हम लोग सेंटेंस सीखेंगे रेयर से। रेयर से कैसे सेंटेंस बनाते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर, यह अत्यंत दुर्लभ है। लेट से इफ़ समथिंग इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट, कोई ऐसा चीज़ जो आपको जल्दी से नहीं मिलता है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर, यह बहुत दुर्लभ है। टॉम हैज़ ए रेयर डिजीज, टॉम को एक दुर्लभ बीमारी है। सो टॉम हैज़ ए रेयर डिजीज, रेयर डिजीज मीन्स द डिजीज विच इज़ नॉट कॉमन, लाइक कोई ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन नहीं है। सो आप बोल सकते हैं टॉम हैज़ अ रेयर डिजीज, टॉम को एक दुर्लभ बीमारी है। दिस इज़ वेरी रेयर केस, यह एक बहुत दुर्लभ मामला है। दिस इज़ वेरी रेयर केस, यह एक बहुत दुर्लभ मामला है। पोएट्स लाइक कली आर रेयर, कली जैसे कवि दुर्लभ होते हैं, लाइक नहीं मिलते हैं, राइट। सो पोएट लाइक्स कली आर वेरी रेयर, सो कली जैसे जो पोएट्स हैं, जो कविता करते हैं, वो बहुत ही रेयर होते हैं। आई फाउंड अ रेयर स्टैम्प एट द स्टोन, आई फाउंड अ रेयर स्टैम्प एट दैट स्टोन, मुझे उस दुकान पे एक दुर्लभ स्टैम्प मिला। आई फाउंड अ रेयर स्टैम्प एट दैट स्टोर, लाइक मुझे उस दुकान पे एक बहुत ही दुर्लभ स्टोन स्टैम्प मिला, राइट। सो लेट्स से कोई चीज़ आपको मिलता है जो जनरली नहीं मिलता है, उसको आप बोल सकते हैं आई फाउंड अ रेयर स्टैम्प एट दैट स्टोर। सो ऐसे करके जो दो वर्ड्स हैं, इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। और आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, आप खुद कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। सो होप यू गाइज विल बी एबल टू मेक मोर सेंटेंस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट यू नो यू विल गेट अपडेट, लाइक जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा यू विल गेट अ अपडेट। थैंक यू गाइज़।